के स्वाद संघवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भाजी में से एक मुनगा भाजी मुनगा भाजी किसे एकदम देसी तरीका से बनाना है आज मैं आप मल्ला बताऊं तो चलो फिर शुरू सुनो जय जोहार संगवारी हो नमस्कार जय छत्तीसगढ़ स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सी जी ब्लॉगर ममता में जो संगवारी हो देख के ही आप मतलब पता चल गया हुई कि आज का रेसिपी मैं आपन के बीच में शेयर करने वाला हूँ जी संगवारी हो मुनगा भाजी मुनगा भाजी बहुत ही बढ़िया होते हैं साल में जरूर से खाना चाहिए और ए सीजन में तो एकदम हरियर हरियर देख सकते हो आप आपन मुनगा के भाजी जो है मिलते मुनगा के भाजी में बहुत सारा पोषक तत्व होते संगवारी हो तो ऐला मन जरूर से बना के खाओ मोर तरीका से कौन से तरीका से आगे आप मतलब वीडियो में मिलने वाला है तो आओ आज की स्वादिष्ट रेसिपी शुरू हैं। उम्मीद है रेसिपी आप मतलब पसंद तो वीडियो लाइक ला करो, शेयर करो। जो भी नए चैनल में सब्सक्राइब जरूर करू तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं तो आज बनाते हैं संगवारी हो मुनगा भाजी और चना दाल के साग एकदम देसी तरीका से मुनगा भाजी में बहुत सारा पोषक तो तत्व पाए जाते कागा पाए जाते एक कर मैं अलग से आप मन के बीच में वीडियो बना के शेयर करूँ तो एक आप मन देख सकता हो मुनगा भाजी ला कैसे तोड़ना है एक वीडियो भी पहले में डाल चुके हूँ ओला भी आप मन जाके चेक कर सकता हो तो हम मुनगा के पत्ता पत्ता यानी कि मुनगा भाजी ला हमला तोड़ लेना है पत्ता पत्ता ला तरह तोड़ के तैयार कर ले पहले ही संगवारी हो एक चूल्हा में आगे धरा दे हूँ वो मैं कढ़ाई चढ़ा दे हूँ कढ़ाई में एक गिलास के लगभग में पानी डाले हूँ एक ला मैं चना दार के संग में बनाता हूँ अलग अलग तरीका से ला बनाए जा सकते एकर पराठा भी बहुत सुहाते है संग वाली हो तो एक पराठा की भी वीडियो है मैं अपन चैनल में डाले हुए हूँ अगर आपपन ओला देखना चाहो हो जाके पक्का चेक करो आप मना फिर से मैं इस साल और डाल दूँ आपन पर एक तरह धुले हुए आधा कटोरी चना डालना पानी में मैं डाल दे हूँ और संगे में मुनगा भाजीला भी दो से तीन बार आप मल्ला धो लेना है भाजीला धोए के बाद हमला ये चनादार वाले में भाजीला भी डाल देना है बहुत ज़्यादा पानी के इस्तेमाल नहीं करना है काबर की मुनगा भाजीला जब हम धोता ना तो थोड़ा बहुत पानी भी भाजी में रुक जाते तो ओकर से भी यह पक जाए बहुत जन मनहा मुनगा भाजीला हसिया में काट देते संगवारी हो पर एला हसिया में काटे की कोई जरूरत नहीं रहा काबर की छोटे छोटे पत्ता होते ये आसानी से पक जाते तो एक देख सकते हो आप मनह भाजीला डाले के बाद मैं ढक्कन से ढाक दे हूँ अब एला जो है चलाते हुए अच्छा से पका लूँ लगभग दस मिनट लगे आप मल्ला दस मिनट में आपके भाजी बहुत अच्छा से पक जाए मुनगा भाजी में बहुत सारा पोषक तो तत्व पाए जाते संगवारी हो पर अगर आप मन एला माटी के बर्तन में बनाते हो, हो तो जो पोषक तत्व है वो एकदम बरकरार रही थी एकर सती माटी के बर्तन में जरूर से आप मन बना के एला खाओ तो एक देख सकते हो संगवारी हो ढाक ढाक के मैं बढ़िया सेला पका देता हूँ लगभग दस मिनट के बाद में मोर भाजी अच्छे से नरम हो गए है चना दाल भी बढ़िया से फूल गए है तब बस एक पानी है सुखा जाए ऐला में अलग फिर निकाल लू एला गर्भवती महिला मन भी खा सकती संगवारी हो और जैन मनह अभी अभी जो है न्यू uh, मम्मी है यानी कि जो अभी अभी बच्चा डिलीवरी कर रही है वो मन भीला खा सकते काबर के मुनगा के भाजी गर्मी तहसील के होते यानी कि मुनगा गर्मी तहसील के होते आप मन सुने हो हमारे छत्तीसगढ़ में मुनगा बरी आलू ये सब गर्भवती महिला मल्ला या फिर अभी अभी डिलीवरी हो माँ मल्ला दे जाते हैं इसे के, के तब व एक रेसती दे जाते काबर के गर्मी तहसील के एक तरह देख सकते हो भाजी जैसे पकीस ना दस से बारह मिनट में भाजीला एक बर्तन में निकाल ले हूँ और मैं वही कढ़ाई ले लाऊँ आप मन चाहो तो दूसरा कढ़ाई भी ले सकता हूँ वही कढ़ाई माँ हमला डाल देना है लगभग दो से तीन चम्मच के आसपास तेल तेल हर गर्म हो बघाल लगाना है लहसुन के ये देख सकता हो जैसे कि मैं अपमान ला बताया हूँ ये गर्मी तहसील के होते बरसात के मौसम में एकदम तो हरा हरा पत्ता थे तब बरसात में ये जरूर से आपमन खाओ संगवारी हो बहुत सारा परेशानी ला दूर करते जैसे कि दस्त हो गए पेट से संबंधी बहुत सारा परेशानी एक खाए से जो है दूर हो जाते छोटे छोटे लेका मन भर जो कुपोषण कुपोषित बच्चा है ओकर मन के जो कुपोषण है ओला भी दूर करते तब जैसे कि आप माला बताऊँ अलग से मैं वीडियो बनाऊँ का एक अंदर जो पोषक तत्व तो पाए जाते होकर एक अ लसन जैसे भूंज से मैं मैं लाल सूखा मिर्चा डाल डालते हूँ और हरियर मिर्ची भी डाल दे हूँ मिर्चा अपन अपन स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता हूँ अब हम ये बहुत अच्छे से भून देना है ये देख सकते हो आप मना बहुत अच्छे से भूंजे के बाद में ही हमला ये में डालना है टमाटर ये देखो संगवारी हो थोड़ा देर में बहुत अच्छे से भून जा रही तबज ढाकते अच्छा हुए मिला अच्छे से भून ले तो है ना वैसे मोर चैनल में पूरा भाजी के बहुत सारा वीडियो है संगवारी हो और अलग से एक प्लेलिस्ट है आप मन चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके भाजी के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जेमे आप मनला आनी वाने के भाजी के वीडियो मिल जही एक रहा जो बघार है वो बढ़िया से हो गई है वैसे ही में डाल दे टमाटर पाँच से छः टमाटर छोटे छोटे साइज़ के मिले हों तेला काट के डालते हूँ अब हमला टमाटर ला, ला भून लेना है यानी कि मसाला के अंदर अच्छे से पका लेना है संगवारी हो एला थोड़ा देर ढाक ढाक के ऐसे ही हमला भूजना है में डाल देना है स्वाद के हिसाब से नमक और थोड़ा से हल्दी वैसे बहुत जन मना हल्दी पाउडर नहीं डाले भाजी के अंदर जो है तो आप मन देख लो अगर आप मन डालता हो पसंद कर सो तो आप मन जरूर से डालो अगर नहीं डालो तब ठीक है हल्दी के बिना भीला बनाए जा सकते तब महाँ थोड़े से नमक काबर की भाजी में बहुत ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगे है ना तो नमक अपन स्वाद के हिसाब से और थोड़ा से हल्दी पाउडर आधा चम्मच से कम कमें डाले हम यहाँ इला डाल के मिला देना है जैसे कि आप मतलब पता है भाजी सिंपल तरीक़ा से ही बनते हैं तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं तै लाइम सिंपल तरीक़ा से ही बनाता हूँ ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला डाल दूँ त एकरा अच्छा से मैं ला चला दूँ और टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं गला हम यहाँ और भाजी ला डालू और भाजी सन भी टमाटर भुन जाए ना और गल ही बहुत अच्छा स्वाद है एकरसती एकरा भाजी लगा डाल दी हम अब ला अच्छे से चला दूँ और ढाक ढाक के ला फिर से सात से आठ मिनट तक के मैं है ये पका लूँ सात से आठ मिनट या दस मिनट के आसपास आप मल फिर से पका लेना है जैसे कि चना दाल और भाजी लुरो जे में हमारी भाजी है अच्छा से पक गए है थोड़ा बहुत जो कसर बाकी हो ही, वो ही समय पक जाए है ना तो बस ढाक ढक के हमला पका लेना है मुनगा भाजी और रहरदार के भी रेसिपी संगवारी हो मोह चैनल के अंदर आप ओला भी चेक कर सकता हो देखो संगवारी हो फिर से ढक देता हूँ फिर से खो देता हूँ फिर से ढक देता हूँ ऐसे करके एला बढ़िया से यहाँ पका लेता हूँ मुनगा भाजी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते और ये तरीका से बहुत अच्छा लगते मोला तो वो सूखा वाले मुनगा भाजी बहुत पसंद है संगवारी हो चना दाल के बिना भी भाजीला बनाया जा सकते रहर दाल में मसूर में अपन स्वाद के हिसाब से जो भी बनाना चाहता हूँ अपन बना सकता हूँ बहुत जनवन आलू में भी बनाते आलू में भी बहुत अच्छा लगते एक रहा चना दाल और मुनगा भाजी बनके तैयार है संगवारी हो देख सकता हो नीचे से पानी पूरा सूख गए चलो मेला उतार लेता और आप मान निकाल के दिखाता हूँ ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भाजी में से एक मुनगा भाजी जो सेहत और स्वास्थ्य से भरपूर बन के तैयार है संगवारी हो चना दाल के संग सूखा साल में ये भाजी हम मिलती यानी कि साल में हरा भरा जो है रहते संगवारी हो ए समय में बारिश के समय में तो इस समय में आप मन भाजीला ज़रूर से खाओ और कहे जाते हैं कि साल में ना ज़रूर से भाजीला खाना चाहिए और नहीं मिला था आप माना कम से कम एक घाव ज़रूर से खाओ काबर के पेट के बहुत सारा समस्या ला दूर करते औषधि गुणे कर अंदर पाए जाते बहुत सारा शिकायत है कब्ज के पे चीज़ के सब चीज़ लभी दूर करते कर बहुत जन्म तो एक जूस लभी पीते इस समय में बना बना के तपाल जूस पीना है वो रेसिपी भी मैं यहाँ डाल दूँ बहुत जल्दी आप मन वह तरीके से बना के जूस बे कर पी सकता हूँ एक रहा देख सकते हो मैं बढ़िया से हमार माटी के बर्तन में निकाल लें हमारे साग बढ़िया से बन के तैयार है आप मन चाहो तो ऊपर से अब लहसुन के तड़का मार सकते हो बाकी ज़रूरत नहीं है पहले हम अनर में बघार चुके हैं लहसुन से तो ये देख सकते हो आप ना बन के तैयार है उम्मीद संगवारी हो ये मुनगा भाजी की रेसिपी आप मतलब पसंद सही पसंद आई ना तो आप मन भी ए तरीके से जरूर से बना के देखो खा के देखो और अपन अनुभव ला जरूर से शेयर करो मेर कमेंट बॉक्स में तो चलो फिर मिलता हूँ आप मन से जल्दी एक नवा वीडियो के साथ तब तक नमस्कार